मणिपुर में जदयू विधायकों ने छोड़ा नीतीश कुमार का साथ। मणिपुर में जदयू के 5 विधायक हुए बीजेपी में शामिल। मणिपुर विधानसभा सचिवालय ने भी इन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की दी जानकारी। ये लोकतंत्र का अपहरण है और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के कार्यों में महारत हासिल है। जनता दल यूनाइटेड के पिछले अरुणाचल चुनाव को याद कर लीजिए, 7 हमारे विधायक चुन कर के आए। पहले 6 को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया और आखिरी बचे हुए विधायक को इन्होंने अपने दल में शामिल कर लिया और ये दूसरी बार मणिपुर की कोशिश। मुझे ऐसा लगता है ऐसी पार्टी का भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से केंद्र की सत्ता में बने रहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नए समीकरण की बुनियाद डालकर आज उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी है कि देश में 2024 के जो चुनाव होंगे, एक बात बिल्कुल तय है कि नरेंद्र मोदी जी इस बार सत्ता में वापस नहीं लौटने जा रहे हैं। पिछली बार की उनकी 303 सीटों में अकेले बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से 100 सीटों के एक बड़े अंतर का उनको सामना करना पड़ेगा, जो जादुई आंकड़े से उन्हें मीलों दूर छोड़ देगी। उनके तमाम कुकृतियों का जवाब पूरे देश की जनता देने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और 1 को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ।